भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भयंदर शिवसेना नगर प्रमुख पप्पू भिसे को शिवसेना शाखा के बाहर ही महिला शिव सैनिकों के एक ग्रुप ने जमकर पिटाई कर दी है। ये पूरा विवाद महिला बचत गट से संबंधित बताया जा रहा है। रविवार दोपहर में शिवसेना पार्टी का कार्यक्रम था और उसके बाद ही पार्टी ऑफिस में वैदही पारुलेकर और अन्य महिलाओं ने पप्पू भिसे को शाखा के बाहर खींचकर उनकी जमकर पिटाई कर दी है। ये पिटाई का वीडियो पूरे शहर में वायरल हो रहा है और इसकी खूब चर्चा भी हो रही है। साथ ही इस मामले में पप्पू भिसे के खिलाफ छेड़खानी का मामला भी दर्ज किया गया है। भयंदर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुतुक राव पाटिल ने इसकी जानकारी दी है। भिसे की शिकायत पर पारुलेकर के खिलाफ भी थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज की गई है। पुणे दाखिल इधर हुए शिवसेना के शाखे के घटने के बारे में, इसमें से पहला कंप्लेंट आया है दीपाली विदाली परलकर ये नाम की महिला लेडी का। एज पर उनके कंप्लेंट, वो बचत महिला बचत गट के काम के लिए शिवसेना ऑफिस में गई थी। वहाँ शिवसेना ऑफिस में वहाँ के जो शहर प्रमुख है उनके चेयर पर बैठी, वो चेयर पर बैठने के गुस्सा आकर के शहर प्रमुख जो पप्पू भिसे उन्होंने उन्हें मेरे कुर्सी पे क्यों बैठी हो ये बोल करके उन्हें और असली गाली गलौज किया और उनके छाती को हाथ लगा के उनका विनय भंग किया। ऐसा कंप्लेंट देने के कंप्लेंट पर भयंदर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है और दूसरा भी एक गुना दाखिल हुआ उन्हीं के खिलाफ। हाँ, और उसके क्रॉस कंप्लेंट में पप्पू भिसे इन्होंने कंप्लेंट दिया है कि कल जो थाना में महिला का पक्ष प्रवेश हुआ उसके बारे में हमको क्यों नहीं बताया करके ये जा पूछने वैदाली परेड़कर आई थी और उनके साथ में 6-7 महिला और थी, इन्होंने सब मिल करके पप्पू भिसे को लात घूसों से मारहाण किया और जान से मारने की धमकी दिया। लूटमार भी हुई है? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ उसमें। इस पूरे मामले में अब तक का किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी जस्ट बयान दाखिल हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगले प्रोसेस किए जाएंगे।